तो पिथौरागढ़ में एक जगह है चंडाक, और यहाँ पर है महादेव का मंदिर मोस्ट मानू, और पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर दूर है। यह है चंडाक टेंपल। जय भोले। तो मंदिर में दर्शन कर लिए हैं हमने, और अब हम चलते हैं यहाँ से रीठा साहिब के लिए। 118 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो मंदिर के दर्शन के बाद हम चलते हैं रीठा साहिब के लिए। चल मेरी स्कैम्बलर, चल तो भोलेनाथ रक्षा करना प्रभु। और यहाँ से पिथौरागढ़ का नज़ारा ये है भाई, पिथौरागढ़ बोल। इस बार यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि गर्मी भैया ज़्यादा है, और इस बार ज़्यादा यहाँ पर स्नो भी नहीं पड़ी है, बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, और मौसम भी पूरा साफ़ नहीं है, धुंध टाइप की है कि जब तक बारिश नहीं होगी अच्छी तब तक ये धुंध ना साफ होगी। पिथौरागढ़ से 33 किलोमीटर की राइड के बाद मैं पहुंचा हूं यहां पर। रास्ते में एक भोजनालय है, मेहता भोजनालय। तो अच्छी गर्मी हो रही है, थोड़ी देर रुकते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद चल देंगे आगे के लिए। खाने में है सैलड मिलेगा, चटनी है, खीरे का रायता है, मिक्स दाल होगी, सब्जी, और चूल्हे में बनेगी रोटी। अभी बुटवा पंचोला है। क्या चीज़? बुटवा पंचोला। बुटवा पंचोला क्या चीज़ है? बकरी का बनता है। अच्छा 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 अच्छा। खाना बहुत ही टेस्टी है, और चूल्हे की रोटी और दाल, मज़ा आ गया भाई। पहले भी आया था, पहले भी बहुत बढ़िया खाना था, और इस समय भी बहुत ही बढ़िया खाना। जय श्री राम। चलते भाई रीठा साहिब के लिए। खाना खा गया भाई, मज़ा आ गया। दाल सब्जी रोटी और चावल मात्र 70 रुपये, और चूल्हे की रोटी, मज़ा आ गया भाई। और ये हम पहुंच चुके हैं घाट, और यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो आएगा आपका दनिया, गंगोली हाट, बैरीनाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, और यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें जाना है रीठा साहिब, और जो है 99 किलोमीटर यहाँ से लोहा घाट वगैरह इधर की साइड है। चलो भाई। तो यहाँ से देहरादून है 448, और मेरे ख्याल से आपका जब हम रीठा साहिब जाएंगे तो वहाँ से तो थोड़ा सा और लंबा पड़ेगा। अब भाई ये देखो, और गजब यार, हालत ख़राब हो गई थी तो बड़ा साफ देखा भाई, दिल दुख 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 दुख, पहली बार देखा यार तो बड़ा साफ। ओ बाबा भाई, काफ़ी लंबा सांप था, और इससे पहले एक जब मैं वहाँ जा रहा था मनीला, तब भी एक सांप देखा था, वो छोटा था, मगर इस भाई ये तो बहुत बड़ा सांप था भाई, एकदम से ही दिखा दूर से, तब तक मैं गोप्रो ऑन करा, उसके बाद एकदम से चला गया वो। यहाँ से ऊपर जाके है एबट माउंट, और सीधा जाएंगे तो टनकपुर की साइड, और ये जगह है मरोड़ा खान। तो हम चलते हैं रीठा साहिब। तो लोहा घाट यहाँ से 2 किलोमीटर लेफ्ट जाके है, मगर हमें देखना रीठा साहिब के लिए कौन सी रोड जाती है, पता करते हैं यहाँ से। भैया रीठा साहिब के लिए
भाई। बहुत ही अच्छी जगह है ये लोहाघाट भी, पूरे देवदार के जंगल है यहाँ पर भी। तो ये आ गया है लोहाघाट और अब देखते हैं आगे का जो रास्ता है रीठा साहिब का वो कहाँ से कटता है। भैया रीठा साहिब के लिए, रीठा साहिब और आगे आगे बल राइट को लेना बल। रीठा साहिब के लिए यही रास्ता है। रीठा साहिब, रीठा साहिब, रीठा साहिब कहाँ से? यहाँ सीधे जाओ, ये नीचे वाला। ये रास्ता है रीठा साहिब के लिए। भाई 2 मिनट में चौक पे जाम लग गया था। खेती खान करके है जगह और यहाँ से भी अभी रीठा साहिब जो है वो है 55 किलोमीटर दूर। शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो ये एक बैंड है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम रीठा साहिब के लिए स्वर्गीय मदन सिंह महाराज स्मृति प्रवेश द्वार। तो चलते हैं रीठा साहिब 38 किलोमीटर दूर। तो अभी तक की राइड जो है वो 113 किलोमीटर की हुई है और यहाँ से रीठा साहिब मात्र 18 किलोमीटर रह चुका है और यहाँ पर रुका हूँ मैं थोड़ी चाय पीने के लिए। दोपहर में खाना खाने के बाद अभी तक मैं लगातार 80 किलोमीटर की राइड करने के बाद चाय ब्रेक और यहाँ पर देखिए रम भी चल रही है और ये गांव पड़ता है खराई और यहाँ पर देखिए रम भी चल रही है। भाई दो भाई हो पहाड़ी भाषा हो ये पहाड़ी भाषा बल। 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है जी, इसमें से 30% लोग सरकारी नौकरी में हैं जी और बाकी जितने भी हैं काश्तकार हैं वो भी बेरोजगार हैं और मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा है नहीं। कोई एक बार जीरो है यानी कि हमें टाइम पास करना है, एक बार जीरो का मतलब कोई पैसे से जोड़ खेल रहे हैं, फिर कोई एक बाजी लगी उसको दो लगी उसको तीन लगी बढ़िया है भाजी। एक भाई दो भाई, देश के प्रधानमंत्री सबसे श्रेष्ठ हैं लेकिन उन्होंने भी इस बारे में गौर नहीं किया है। बताओ, हमें इस बात का बड़ा दुख है, बहुत दुख है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं सांसद हैं वो हमारे नजरों में निगेटिव है, निगेटिव है। तो बस अब 18 किलोमीटर दूर है रीठा साहिब, चाय पी के अब चल रहे हैं हम रीठा साहिब के लिए और वहाँ भाई साहब एक भाई दो भाई खेल रहे थे। चार बज चुके हैं अभी और भैया कह रहे थे कि आराम आराम से आओगे तो एक घंटा आपको लग जाएगा, 5 बजे तक करीब पहुँचूँगा फिर देखते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ रीठा साहिब और यहाँ से नीचे जाके है वो देखिए गुरुद्वारा। भाई साहब बहुत ही बढ़िया जगह है यार, साइडों में ग्रीन खेत और बगल में नदी बह रही है। रीठा साहिब गुरुद्वारा हम पहुंच चुके हैं। ओ भाई भैया बाइक तो यही खड़ी करनी है ना।
पिथौरागढ़ से 118 किलोमीटर राइड के बाद आज मैं पहुंचा हूं रीठा साहिब गुरुद्वारे, और बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है ये। तो अभी जाते हैं यहाँ पर, दर्शन करते हैं यहाँ पर। तो ये सामने है रीठा साहिब जी गुरुद्वारा, और यहाँ पर है रुकने के लिए रूम्स वगैरह भी है, और ये यहाँ पर जो बैठते हैं बाबा जी है, बाबी नमस्कार। और बहुत ही प्यारा है यहाँ पर। अभी चलते हैं अंदर गुरुद्वारे में, और ये पैरों को और ये है देखिए गुरुद्वारा रीठा साहिब जी में एंट्रेंस, बहुत ही खूबसूरत है चारों तरफ। ये फोटोज वगैरह लगा रखी है। यहाँ से रास्ता है, तो ये है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी। तब अंदर चलते हैं। ये देखिए गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांति है यहाँ पर। हाँ जी, हेलो, बढ़िया है यहाँ पर सब। तो ये भैया हैं यहाँ पर अरुण दीप सिंह जी रीठा साहब में, रीठा साहिब में, और ये बताएंगे भैया ये वाला पेड़ है ना भैया। हाँ जो रीठे का है महाराज जी टाइम का हैगा, ये श्री गुरु नानक देव जी जो आए सी उस टाइम का पेड़ हैगा, ये वृद्ध हो गया सी इस करके अंदर रख दिता है। ओके, हूँ भी सब पेड़ रीठे दे आएंगे, सारे फूट के इसे लिखड़े हुए ने। तो सारे जो बाकी पेड़ है वो बाहर लगे हुए? हाँ जी बाहर आएंगे, तो ये थान आएगी जितने महाराज जी आके बैठे सर। बाकी जो यहाँ पर रीठा के पेड़ हैं वहाँ यहाँ लगे हुए हैं, और जो सबसे पुराना पेड़ था वो भैया ने बताया वो अंदर है और वृद्ध हो गया है, बहुत पुराना हो गया था तो उसको अंदर रख दिया है। और ये है यहाँ से गुरुद्वारा जी के चारों तरफ का व्यू। भैया आप बता रहे थे ना बाबा जी? हाँ जी, इतने महाराज जी आके बैठे सन। अच्छा यहाँ पर? हाँ जी, ये थान आएगी जितने महाराज जी आके बैठे। और जो पेड़ वाला लगा हुआ था भैया जो अंदर है वो कहाँ पर था? यहीं पे था, ये उसके पेड़ फूट के निकले हैं, तीन पेड़ हैं, रिठे दे पेड़ आएंगे ये भी। रिठे के पेड़ जी जी, एक कुआ है जड़ा कुआ, ये भी महाराज जी के टाइम का ही है उस टाइम का ही। जी जी, गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में ये हमारे भैया हैं अशोक। हाँ जी, अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, इन्होंने हमें रूम दिया है 30 नंबर। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी बिल्कुल जी, थैंक्स। तो आज मैं गुरुद्वारे में रुक रहा हूँ, वो सामने गुरुद्वारा है और ये अपना रूम है। तो इस समय रीठा साहिब जी में गुरुद्वारे के अंदर गुरुवाणी शब्द कीर्तन चल रहा है, तो चलते हैं अंदर। और गुरुद्वारे के पीछे जो नज़ारा है खेतों का, और बगल में है नदी, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांत जगह है कि शाम को आप आराम से यहाँ रुकिए। सच में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मुझे एक यहाँ पर रूम भी मिल चुका है और आज रात का स्टे यहीं पर होगा, तो आज पूरा इत्मीनान से शांति से थोड़ा अभी नीचे जाके मार्केट भी घूमता हूँ। गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब के बाहर यहाँ पर एक भैया है, उनकी शॉप है, और भैया जी का नाम है भगवान। ये हमारे भैया जी, और बहुत बढ़िया शॉप है यहाँ, बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे, प्रसाद वगैरह मिल जाता है, सब कुछ। आज मैं पिथौरागढ़ से आया था रीठा साहब गुरुद्वारे जी में, और यहाँ पर आज आके इतना बढ़िया लगा। पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद आगे देहरादून के लिए जाऊँगा, मगर फिर बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा आज यहीं पर रुक जाओ आप, तो रूम के लिए भी बोला कि रूम भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं चलो आज यहीं पर रुकता हूँ। फिर शाम को मैं गुरुद्वारे में गया 7 बजे, यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है, और वहाँ पर बैठा
20-25 मिनट आराम से मैंने गुरुबानी का जो कीर्तन है वो सुना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लंगर में रोटी दाल सब्जी वगैरह खाई, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद अब मैं आया अपने रूम में, और ये देखिए यहाँ पर है, ये रूम है, और साथ ही यहाँ पर अटैच जो है बाथरूम है। तो यहाँ पर भाई लोग भी मिले मुझे, तो उनसे भी बात करके खूब अच्छा लगा। जो यहाँ पर रीठा साहिब का जो पेड़ है, तो कल भैया ने बोला मैं आपको जो रीठे का प्रसाद है वो भी दूंगा। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पर रुका, और बाबा जी ने मुझे बोला कि हाँ बेटा यहीं पर रुक जाओ। मगर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी जगह है रीठा साहब गुरुद्वारा जी। तो अभी सोने का टाइम है, कल सुबह जल्दी यहाँ से अपना देहरादून के लिए निकलूँगा मैं।